जेपन सखा, तो फिर हम आपके लिए कुछ सरप्राइज़ रखे हैं। तो आपके मन में ये तो सवाल आ रहा होगा कि वो सरप्राइज़ आखिरकार है क्या। तो देखिए, काफ़ी सोच समझने के बाद हमने डिसीजन लिए हैं। तो ये चीज़ें जो है, हम पहली बार, फर्स्ट टाइम हमारे दर्शक या ना हमारे जो भक्त हैं, केवल जो भक्त हैं उनके लिए हम ये दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो बात यह है कि हम गए थे एक मालिका वर्णित स्थान में। हमारे टीम का जो रिसर्च था, उस स्थान का नाम जो है, मालिका के जो विशिष्ट स्थान है उसका नाम हम इस वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन हम गए थे किसी खोज में। आपको ध्यान होगा कि भविष्य मालिका में ये लिखा गया है, 7 डे नाइट डार्कनेस, 7 डे डार्कनेस के बारे में लिखा गया है, 7 दिन अंधेरा होगा। पंच सखाएं उड़ीसा के जो 5 महान संत हैं, संत अच्युतानंद दास जी, जसवंत दास जी, अच्युतानंद दास जी और बलराम दास जी, जगन्नाथ दास जी, 5 जो महान संत हैं, उनको अगर मिला लें तो उनके अलावा 17 और जो भविष्य वक्ता हैं उनका भी यही मानना है। पाश्चात्य की जो नॉस्ट्राडामस है उनका भी यही मानना है। बाबा वेंगा भी इसी चीज़ को रोशनी डाले हैं कि 7 दिन अंधेरा होगा, 7 डे डार्कनेस तो होगा होगा। तो फिर कैसे होगा, कब होगा, ये तो समय है, लेकिन वो अंधेरे में भक्त जो है वो देख पाएंगे। तो उसमें ये भी लिखा गया है, उड़ीसा में और उड़ीसा के अलावा जो बाकी प्रदेश हैं उसमें 243 माने 243 ऐसे जगहें हैं, ऐसे जंगल हैं, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे पौधे हैं। तो वहाँ पे एक जो विशेष पेड़ है उसको आँखों में अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। और एक और भी पत्ता है, उसको खाने पर आप जो है, आपको भूख और प्यास जो है मिट जाएगा। तो हम उसी खोज में गए थे, उड़ीसा की एक जगह है। तो वहाँ से हमें एक्चुअली में मिला वो पेड़, तो उसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं। देखिए, काफ़ी संभाल के हमने इसको हम साथ में लाए हैं, वो जगह का नाम हम आपको बता नहीं पाएंगे। देखिए, पहली बार लाइव कैमरा के सामने हम इसको दिखा रहे हैं। ये है वही पेड़ जिसका नाम जो है, उड़िया में हमें पता है इसका नाम क्या है, लेकिन हिंदी में क्या इसका नाम है हमें पता नहीं है। और बहुत ही दुर्लभ किस्म की ये पौधा है। इसी के जो पत्ते हैं, वो पत्ते जो है 4 से 5 पत्ते अगर आप खा लेते हैं तो लगभग 10 से 12 घंटे तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगा। यह है वो दुर्लभ पेड़। तो बार बार लोग जो है हमें पूछ रहे थे कि ऐसा कौन से पेड़ है, उसके बारे में हम बताइए। तो हमारा टीम जो है, काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद हम वहाँ पे गए थे। वो जगह का नाम हम सार्वजनिक इस वीडियो में लाइव कार्यक्रम के दौरान नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं हम उसके उस जगह का नाम हम क्यों बताना नहीं चाहते हैं, सिक्योरिटी का भी सवाल है। और ये पेड़ जो है उनकी अनुमति लेके हम वहाँ से लेके आए हैं। यह है वो दुर्लभ पत्तियाँ जिसको, जिसके 4 और 5 पत्ते खाने के बाद आपको 10 से 12 घंटे तक आप बिना खाने और बिना प्यास के आप रह सकते हैं, बिना पानी के आप रह सकते हैं। यह है, तो ये चीज़ें जो है वो सार्वजनिक के लिए नहीं है, भक्तों के लिए हैं। जो भक्त उन तक या फिर वो ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे या फिर किसी ना किसी तरीके से वो वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो इसे लिखा है ना, मतलब भक्त जो है उनको उनको कष्ट होगा लेकिन भगवान जो है उनको ज़रूर बचाएंगे। तो ये है ये पौधा, और बहुत कुछ मेहनत करने के बाद उनके अनुमति लेके हमने एक पौधा वहाँ से लाए थे। तो हमारा ये कोशिश था कि कम से कम जो भक्त हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे या फिर उन तक ये पहुँचे। हमने उसको डिस्प्ले में दिखाए,
आप हो सके तो उसको थोड़ा जूम करके आप उसको देखिए, क्या आपके आसपास में भी ये पौधे हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है, आप उसको फिर आइडेंटिफाई करके उसको रखिए, सही समय में ये काम में आएगा। तो फिर देखिए, लाइव कार्यक्रम अभी हमने जो टाइम लिए थे लगभग एक घंटे के लिए हम आपके सम्मुख आएंगे, कुछ ही देर में ये लाइव लगभग 8:30 8:30 ये लाइव प्रोग्राम हम जो है बंद करेंगे। बहुत सारे सवाल इस बीच में आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे सवाल आज हम ले भी नहीं पाएंगे, कुछ कुछ सवाल मैं फिलहाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमारे भक्त हैं, जो दर्शक हैं, लेट में हमारे लाइव कार्यक्रम के दौरान जुड़े हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप फिर इसको ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये हमारे जो भक्त हैं एटलीस्ट उन तक तो पहुँचे। जो बिलीव नहीं करता तो छोड़ दीजिए, उनको तो भगवान जो है देख लेंगे, लेकिन जो हमारे भक्त हैं कम से कम उन तक ये पहुँचे। तो हरे कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल विल सर्वाइव, मालिका में लिखा है कि मतलब 1/3 लोग जो है बचेंगे, पूरे विश्व के जो ग्लोबल जितने पॉपुलेशन है 1/3 लोग जो है उसको देखेंगे बचेंगे। तो फिर कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्त लोगों में से इस लिंक को आप शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो, कहाँ से, कौन से प्रदेश या फिर किस शहर से आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो फिर आप मिलते हैं, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा।